कौन काट रहा है टिकट उसका नाम बताओ, काटोगे आप, काटोगे, काट पाओ तो काट लेना। पत्रकारों ने जब भाजपा के लाडले सांसद बृजभूषण शरण सिंह से पूछा कि क्या आपको टिकट मिल रहा है, सवाल के जवाब में बृजभूषण शरण सिंह गुंडे, दंगई और महिलाओं का अपमान करने वाले संस्कारी सांसद ने इस अंदाज में जवाब दिया, सुनिए आप भी। आपको टिकट मिल रहा है, कौन काट रहा है उसका नाम बताओ, बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है, काटोगे आप? आपका नाम नहीं उसमें, काटोगे तो सुना आपने दोस्तों, जब सांसद महोदय से सवाल किए जाते हैं कि क्या आपको भी 2024 में टिकट दिया जाएगा, तो सांसद जी पत्रकारों पर इतना बिफर जाते हैं कि वार्निंग तक दे डालते हैं कि किसी में हिम्मत है कि कोई काट सकता है मेरा टिकट, कौन काटेगा मेरा टिकट उसका नाम बताइए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस मानसिकता के साथ इन भाजपाइयों की लगाम को ढीला किया हुआ है साहब ने, जो धड़ल्ले से कहते हैं कि चुनाव दंगे की चोट पर लड़ने वाले हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर 22वां क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद बीजेपी सांसद से पत्रकारों ने बात की और सवाल किए 2024 को लेकर, जिस पर भाजपा सांसद ने कहा है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे उनके टिकट पर भी सवाल किया, वह इस पर भड़क गए, इतना भड़क गए कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनसे पूछा उल्टा है कि बताओ उसका नाम कि कौन मेरा टिकट काटेगा, उसका हिम्मत इतनी कि कोई मेरा टिकट काट सके, सुन लीजिए आप भी। आपको टिकट मिल रहा है, कौन काट रहा है उसका नाम बताओ, बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है, काटोगे आप? आपका नाम नहीं उसमें, काटोगे बृजभूषण जी? दोस्तों सुना आपने, किस तरीके से सत्ता के नशे में, सत्ता के अंधकार में इतना ज्यादा चूर है भाजपा नेता कि उनको कुछ भी नजर नहीं आता और वो इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि धड़ल्ले से मीडिया के सामने धमकी तक दे डालते हैं, धमकी देते हैं और कहते हैं कि उनको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों 2024 का जो है इलेक्शन अब बिल्कुल करीब आ चुके हैं, उसके पहले अब जिस तरीके से रणनीतियां बनने, जिस तरीके से एक के बाद एक खबरें सामने आ रही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं पलड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद ये तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो सांसद महोदय है बृजभूषण शरण सिंह, वो इतना ज्यादा चर्चित है, इतना ज्यादा चर्चित नाम है। अभी हाल ही में आपने खबरें देखी, सुनी कि किस तरीके से महिलाओं के साथ में बदसलूकी की, एक नाबालिग लड़की के साथ में यौन उत्पीड़न का मामला भी सामने आया, कई सारे केस दर्ज किए गए, कई सारे पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं भी दर्ज हुई, उसके बावजूद भी संसद महोदय खुलेआम ऐसे ही घूमते रहे। दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं जो हैं, जो पदक विजेता हैं, मेडल जीत कर आई, वो सड़कों पर दिल्ली की ऐसे ही अपने लिए गुहार मांगते रहे, इंसाफ की गुहार लगाते रही और लगातार प्रधानमंत्री से इस बात की कहती रही कि उनको कुछ ना कुछ इंसाफ दिया जाए। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर एक भी जू नहीं रहेंगी और साथ ही जो है सांसद खुलेआम धड़ल्ले से घूमता रहा। और दोस्तों तस्वीर आपको याद होगी, जब संसद की नई इमारत का उद्घाटन हो रहा था और दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं को घसीटा जा रहा था, महिला पद जो खिलाड़ी है उनको घसीटा जा रहा था, उनके साथ में बदसलूकी की जा रही थी और एक तरफ उस दंगई गुंडे सांसद को संसद में बैठाकर उनके साथ में हंस हंस कर मुस्कुराकर फोटोज खिंचवाई जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी किया जिसमें बताया है कि जो भी सबूत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मिले हैं यौन शोषण को लेकर, वो बिल्कुल काफी है उनको गिरफ्तार करने के लिए, उन पर एक्शन लेने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। बावजूद इसके आलम यह हो गया है कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे गुंडे और दंगई सांसद खुलेआम पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने धड़ल्ले से ये जवाब देते नजर आते हैं कि 2024 में बीजेपी आएगी, पूरी बहुमत के साथ आएगी और इसी के साथ में उनका टिकट भी उनको मिलकर रहेगा और वो जीतेंगे और चुनाव लड़ेंगे और किसी के अंदर अगर हिम्मत है तो वो रोककर दिखाए, अपना नाम बताए जो उनकी टिकट को काट सकता है। तो दोस्तों गजब की गुंडागर्दी जो है भाजपा शासन में देखने को मिल रही है, जहां पे हर एक नेता, हर एक जो सांसद मंत्री है अपनी अलग अलग भाषा से लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से जनता को ललकारते हैं, वो आपने देखा। अभी हाल ही में एक मुद्दा भी सामने आया जहां पर देखा कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में किस तरीके से अपशब्दों का, सरोच्छाप शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन पर कोई भी कार्यवाही, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया,
खुद अध्यक्ष ओम बिरला ने उनको आगे ये सब नहीं करने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। जिसके बाद अब बृजभूषण शरण सिंह ने उस बात का जिक्र करते हुए भी कहा कि जो जैसा होता है उसके साथ में वैसा रवैया करना चाहिए और वैसा ही किया गया। दानिश अली इस बात को डिजर्व करते हैं इसलिए उनके साथ में इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो कि बिल्कुल सही किया रमेश भिदौड़ी ने, यानी कि रमेश भिदौड़ी का पक्ष करते हुए उनका समर्थन किया है सांसद ने बृजभूषण शरण सिंह ने। यानी कि दोस्तों अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से भाजपा नेताओं की मानसिकता है, किस तरीके से उनको इस चीज के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस तरह से उनको महिलाओं का अपमान करना हो या फिर कुछ अलग गुंडागर्दी करनी हो या दंगा फसाद करना हो या फिर धड़ल्ले से अपनी मनमानी करनी हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकदम पीक पर है और उसका जो एक मानसिकता है, विचारधारा है, वो सबके नजर में है, जग जाहिर है किस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा देते हुए भाजपा नेता नजर आते हैं, तो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। आपको टिकट मिला है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं उसमें। काटोगे दोस्तों? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक अलग नया चेहरा हर वक्त निकलकर सामने आता है, जो कि बृजभूषण शरण सिंह का भी है, अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से पिछले कई महीनों तक धरना प्रदर्शन किया महिलाओं ने, महिला खिलाड़ी जो कि पदक विजेता रही है, गोल्ड मेडलिस्ट रही है, उन सभी ने इसके खिलाफ किस तरह से कितना लंबा एक संघर्ष किया, उसके बावजूद भी कोई एक रिजल्ट, कोई एक निर्णय नहीं निकल कर आया जिसमें कि ये लगे कि हाँ महिलाओं के साथ में न्याय हुआ है, उनके जो बातें थी, उनके जो आरोप थे उनको सही साबित किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस भी इस चीज को बार बार जस्टिफाई कर चुकी है कि जितने सबूत भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मिले हैं वो बिल्कुल सही है, उसके आधार पर उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों का बचाव करती नजर आती है, अपने नेताओं का बचाव करती नजर आती है, क्योंकि हर एक कैटेगरी, हर एक जो भाषा का व्यक्ति है, सांसद है, मंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक अलग ही मुखौटे में नजर आता है, एक अलग से जो उनका एक रवैया नजर आता है वो साफ तौर पर है और वो किसी से छुपा नहीं है। भारतीय पार्टी में महिलाओं का कितना सम्मान किया जाता है दोस्तों, उसके भी आए दिन एक ऐसे नमूने सामने आते रहते जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा संस्कारी है, कितनी ज्यादा महिलाओं का सम्मान करने वाली है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरीके से मीडिया पर भड़कते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस तरह का बयान दिया है, इस तरीके की बातें बोली है, तो वो कहां तक जायज होती है? क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम बिल्कुल गुंडागर्दी करते नजर आते हैं और सामने बोलते हैं कि उनका टिकट कोई नहीं काटेगा, तो अपने आप में ये भी कई बड़े सवाल होते हैं कि भाजपा सांसद के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती, क्यों इस तरीके से अलग अलग मुद्दों को निकाल कर सामने रखा जाता है। 2024 के चुनाव है और उसको लेकर ही जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जातिगत जनगणना और तमाम ऐसे मुद्दे जो कि जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर सवाल भी होने चाहिए, उन सवालों को दरकिनार करते हुए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों का दिमाग, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी हुई है, उसके ये एग्जाम्पल से जो कि सांसद रमेश भिदौड़ी ने किया और अब उसके बाद जो निकल कर सामने आया है वो आया है सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो दिखाता है कि एक के बाद एक ये सब लोग हाईलाइट होने के बाद कहीं ना कहीं जरूरी और जो जिम्मेदार मुद्दे हैं, जो जरूरी सवाल है, जो विपक्ष भी कर रहा है लगातार और जो आम जनता को भी करने चाहिए, उन सवालों से कहीं ना कहीं बचने के लिए, उन सवालों को छुपाने के लिए सब चीजों का सहारा लिया जा रहा है और इस तरीके से धड़ल्ले से लगातार एक के बाद एक भाषण सामने आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग स्ट्रेटेजी के तहत 2024 के लिए अपनी एक कुर्सी तलाशने की कोशिश कर रही है। दोस्तों पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि गोंडा से जो है सांसद है बृजभूषण शरण सिंह और इस तरह से अगर वहां से वो टिकट भी काटी जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश को हमेशा से ही एक जरिया माना जाता है, एक रास्ता माना जाता है कि जब जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसका कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सीट जो है, कुर्सी जो है, वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है ऐसे में, और ऐसे में गोंडा से विधानसभा जो है सांसद निकलकर आते हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिनको बचाने की लगातार कोशिश की गई है और इस बार भी यही किया जा रहा है। तो पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे तमाम वीडियोज के लिए बने रहे मेरे साथ दिगंता।